good morning students in our last class we have discussed the water cycle now we are going to discuss the another cycle that maintains the balance in our atmosphere uh, or i should say biosphere <clears throat> the another cycle that we are going to discuss now is the nitrogen cycle nitrogen gas, gas makes up 78% of our atmosphere and nitrogen is also a part of many molecules essential to life like protein, nucleic acids, DNA and RNA and some vitamins jo nitrogen hai वो हमारे atmosphere का seventy eight percent cover करता है मतलब हमारे atmosphere में जो सबसे ज़्यादा gas अगर कोई पाई जाती है तो वो nitrogen है ऑल्सो जो नाइट्रोजन है <coughs> उसमें वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल होता है डी एन ए में न्यूक्लिक एसिड्स में प्रोटीन्स और कुछ विटामिन्स में नाइट्रोजन इज़ फाउंड इन अदर बायोलॉजिकली इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स सच इज़ एल्केलालॉइड्स एंड यूरिया टू जो नाइट्रोजन है वो दूसरे भी जो बायो आ, <coughs> जो दूसरे भी बायोलॉजिकली इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं जैसे कि अल्कलॉइड्स और यूरिया उनमें भी नाइट्रोजन पाया जाता है नाइट्रोजन इज़ दजन असेंशियल न्यूट्रिय फॉर ऑल लाइफ फॉर्म्स एंड लाइफ वुड बी सिंपल इफ़ ऑल दीज लाइफ फॉर्म्स कुड यूज़ द एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन डायरेक्टली इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि इन सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए नाइट्रोजन एक इम्पॉर्टेंट कंटेंट है राइट right? इन सभी के लिए नाइट्रोजन जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है और इनकी लाइफ सिंपल हो जाएगी ईजियर हो जाएगी अगर इनको डायरेक्टली uh, नाइट्रोजन मिलता रहेगा तो हाउ एवर अदर देन अ फ्यू फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया लाइफ्स फॉर्म्स आर नॉट एबल टू कन्वर्ट द कंपेरेटिवली इनर्ट नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इन टू फॉर्म्स लाइक नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स विच कैन बी टेकन अप एंड यूज टू मेक द रिक्वायर्ड मॉलिक्यूल्स लेकिन कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि इस नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देते हैं और उसको एबजॉर्ब कर लेते हैं या ले लेते हैं बट इन बैक्टीरिया के अलावा बाकी जितनी भी बॉडीज़ हैं हर एक लिविंग बॉडी ये चीज़ नहीं कर पाती है और अगर हमको नाइट्रोजन लेना है तो नाइट्रोजन को आप डायरेक्टली नहीं ले सकते हो नाइट्रोजन वी कैन टेक द नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स ओनली सो इसके लिए हमारे लिए जरूरी है कि हम नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करें फिर ही हम उसको कंज्यूम कर सकते हैं अदरवाइज नहीं तो दीज नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया मे बी फ्री लिविंग और मे बी एसोसिएटेड विद सम स्पीशीज ऑफ डाइकॉट प्लांट्स और ये जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं या तो वो फ्रीली फ्रीली होते हैं या तो वो हमको फ्री फ्रीली मिल जाएंगे एटमॉस्फेयर में या फिर वो किसी ना किसी प्लांट से एसोसिएटेड होते हैं मतलब कि किसी प्लांट की रूट्स में आपको ये बैक्टीरिया मिल जाएंगे या इस तरीके से वो कहीं ना कहीं किसी प्लांट से रिलेटेड होते हैं मोस्ट कॉमनली द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आर फाउंड इन द रूट्स ऑफ लेग्यूम्स अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो हमको नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया मिलेंगे वो कहाँ पे मिलेंगे लेग्यूम्स प्लांट की रूट्स में जनरली द प्लान्टिच गिव अस पल्सेस ऐसे प्लांट्स जो जिनसे हमको पल्सेस मिलती हैं दालें मिलती हैं उनको हम क्या बोलते हैं लेग्यूम्स तो जितने भी लेग्यूम्स होते हैं उनकी रूट्स में हमको ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है वो ईज़िली मिल सकते हैं इन स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड रूट नोड्यूल्स और इनकी जो रूट्स होती हैं उनकी रूट की जो नोड्यूल्स होती हैं उन नोड्यूल्स में हमको ये बैक्टीरिया मिल सकते हैं अदर दैन दिज बैक्टीरिया द ओनली अदर मैनर इन विच द नाइट्रोजन मोलिक्यूल्स इज़ कन्वर्टेड टू नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स इज़ बाय अ फ़िज़िकल प्रोसेस और इन बैक्टीरिया के अलावा एक दूसरा तरीका जिससे कि जो नाइट्रोजन है वो नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो सकती है वो होता है एक फ़िज़िकल प्रोसेस तो एक प्रोसेस जिसकी हेल्प से ये जो नाइट्रोजन है वो नाइट्राइड्स और नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो सकती है ड्यूरिंग लाइटनिंग द हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर क्रिएटेड इन द एयर कन्वर्ट नाइट्रोजन इनटू ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन लाइटनिंग के समय जब बिजली कड़कती है तो उस समय बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर क्रिएट हो जाता है और उसी टेम्परेचर और प्रेशर के कारण या टेम्परेचर और प्रेशर से जो नाइट्रोजन होता है वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाता है दीज ऑक्साइड्स डिज़ोल्व इन वाटर टू गिव नाइट्रिक एंड नाइट्रस एसिड्स और जब ये ऑक्साइड्स uh, पानी में डिज़ोल्व होते हैं वाटर में डिज़ोल्व होते हैं तो उससे नाइट्रिक और नाइट्रस एसिड्स बनते हैं एंड फॉल ऑन लैंड अलोंग विद द रेन और ये जो एसिड्स हैं वो रेन के साथ साथ हमारी ज़मीन पर आते हैं इन द फॉर्म ऑफ एसिड्स नाइट्रस एसिड एंड नाइट्रिक एसिड दीज आर देन यूटिलाइज बाय वेरियस लाइफ फॉर्म्स और फिर अलग अलग लाइफ फॉर्म्स जो होती हैं वो इनको यूज़ कर सकती हैं अलग अलग फॉर्म्स में वॉट हैपन्स टू द नाइट्रोजन वंस इट इज़ कन्वर्टेड इन टू फॉर्म्स दैट कैन बी टेकन अप एंड यूज टू मेक नाइट्रोजन कंटेनिंग मॉलीक्यूल्स क्या होगा जब ये नाइट्रोजन कुछ फॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाएगी और फिर उसके बाद जो नाइट्रोजन मॉलीक्यूल्स हैं वो उसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं सो द प्लांट्स जनरली टेक अप नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स एंड कन्वर्ट दैम इन टू अमीनो एसिड्स विच आर यूज टू मेक प्रोटीनस प्लांट्स क्या करते हैं Uh, जो नाइट्रोजन होती है उसको नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स की फॉर्म में टेकअप कर लेते हैं मतलब एब्जॉर्ब uh, कर लेते हैं और उसके बाद वो उसको कन्वर्ट कर देते हैं अमीनो एसिड्स में और ये जो अमीनो एसिड्स हैं वो क्या काम में आते हैं प्रोटीन्स बनाने के काम में आते हैं सम अदर बायोकेमिकल पाथवेज़ आर यूज्ड टू मेक द अदर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन और कुछ दूसरे भी ऐसी बायोकेमिकल पाथवेज होते हैं जो कि कुछ दूसरे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने के काम में आते हैं जिसमें कि नाइट्रोजन रहता है दीस प्रोटीन्स एंड अदर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स आर सब्सिक्वेंटली कंज्यूम्ड बाय एनिमल्स और ये जो प्रोटीन होते हैं या जो दूसरे कंपाउंड होते हैं वो कंज्यूम कर लिए जाते हैं एनिमल्स के द्वारा मतलब एनिमल्स इनको खा लेते हैं या कंज्यूम कर लेते हैं वंस द एनिमल और द प्लांट डाइज अदर बैक्टीरिया इन द सॉइल कन्वर्ट द वेरियस कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन बैक इंटू नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स और जब ये एनिमल्स मर जाते हैं तो जो बैक्टीरिया होते हैं वो फिर से आ, इनको कन्वर्ट कर लेते हैं इन टू इट्स प्रीवियस फॉर्म राइट अ डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया कन्वर्ट्स the नाइट्रेट्स एंड nitrites into elemental एलिमेंटल नाइट्रोजन और एक अलग तरह का बैक्टीरिया होता है जो पहले हमने लेग्यूम्स वाले बैक्टीरिया डिस्कस करे थे वो नहीं एक अलग टाइप के बैक्टीरिया होते हैं जो कि नाइट्रेट्स को फिर से नाइट्राइट में सॉरी नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स को फिर से नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं दस देर इज़ अ नाइट्रोजन साइकिल इन नेचर In which nitrogen passes from its elemental form in the atmosphere into simplest molecules in the soil and water. इसीलिए हम ये बोल सकते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में एक नाइट्रोजन साइकिल होती है और ये जो नाइट्रोजन साइकिल होती है वो क्या करती है नाइट्रोजन uh, को अपने एलिमेंटल फॉर्म में रिलीज करती है इनटू द सिंपल मॉलिक्यूल्स इन द सॉयल एंड वाटर विच गेट्स कन्वर्टेड टू मोर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इन लिविंग बींग्स एंड बैक अगेन टू द सिंपल नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स इन द एटमोसफेयर जो कि ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स के द्वारा कंज्यूम करने के लिए एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट होती है नाइट्राइट्स और नाइट्राइट्स के फॉर्म में और जब वो ह्यूमन बींग या एनिमल्स मर जाते हैं तो उनके डाई होने के बाद जो कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो कि इस नाइट्रेट और नाइट्राइट को फिर से अपने एलिमेंट्री फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं जो कि मीन्स नाइट्रोजन के फॉर्म में फिर से उसको कन्वर्ट कर देते हैं तो इस तरीके से जो नाइट्रोजन है वो एक साइकिल के फॉर्म में हमारे एटमॉस्फेयर में रहता है और उसका कन्वर्जन होता है इनटू द नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स और फिर से वो ब्रेक डाउन हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन तो जैसे हमने नाइट्रोजन की एक प्रॉपर साइकिल पढ़ी वैसे ही कार्बन की भी एक साइकिल होती है और कार्बन भी एक तरीके से प्रोड्यूस और डीकम्पोज किया जा सकता है बाय द ऑर्गेनिज़म्स इन अवर एटमोसफेयर कार्बन इज़ फाउंड इन वेरियस फॉर्म्स ऑन द अर्थ जो कार्बन है वो बहुत सारे अलग अलग फॉर्म्स में हमको मिलता है अर्थ पे इट अकर्स इन द एलिमेंटल फॉर्म एज़ डायमंडज़ एंड ग्रेफाइट और अगर कार्बन के एलिमेंट्री फॉर्म की हम बात करें तो जो कार्बन का एलिमेंट्री फॉर्म है वो होता है डायमंड और ग्रेफाइट मतलब जो कार्बन है वो हमको डायमंड्स और ग्रेफाइट्स के फॉर्म में मिल देखने को मिलता है अर्थ पे इन द कम्बाइंड स्टेट इट इज़ फाउंड एज़ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोसफेयर एज कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्ट इन वेरियस मिनरल्स तो एलिमेंट्री फॉर्म की अगर बात करें तो एलिमेंट्री फॉर्म में वो आपको डायमंड और ग्रेफाइट के फॉर्म में मिलेगा अगर कंबाइंड स्टेट की बात करें तो कंबाइंड स्टेटमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमको कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्ट्स के फॉर्म में मिलता है वाइल ऑल लाइफ प्रोसेस आर बेस्ड ऑन कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स एंड न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिनस तो जितने भी कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं Uh, मतलब जितनी भी लाइफ प्रोसेस होती हैं वो इन सभी कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स पर बेस्ड होती है जैसे कि प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट विटामिन न्यूक्लिक एसिड्स एंड ऑल राइट हमको पता है कि जब भी हम बात करते हैं हमारी बैलेंस डाइट की तो हमारी बैलेंस डाइट में ये सारी चीज़ें आती हैं इसका मतलब हमारी लाइफ के लिए हम इन्हीं सब चीज़ों पर डिपेंड करते हैं और हमारी बॉडी में इन सब की एक प्रॉपर प्रोपोर्शन होना ज़रूरी है अदरवाइज वी विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव द एंडोस्केलेटन एंड द एक्ो एक्सकेलेटन ऑफ वेरियस एनिमल्स आर ऑल्सो फॉर्म्ड फ्रॉम द कार्बोनेट सॉल्ट हमारा जो एंडोस्केलेटन और एक्जो एक्सकेलेटन है ये क्या होता है आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इन द प्रीवियस क्लासेस। सो एंडोस्केलेटन और एक्जोस्केलेटन जो है हमारा वो भी कार्बोनेट सॉल्ट से ही बनता है कार्बन इज़ इनकॉर्पोरेटेड इन टू लाइफ फॉर्म्स थ्रू द बेसिक प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस विच इज़ परफॉर्म्ड इन प्रेजेंस ऑफ सन लाइट बाय ऑल लिविंग फॉर्म्स दैट कंटेन क्लोरोफिल जो कार्बन होता है वो हर एक लाइफ फॉर्म्स के अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाता है उनकी बॉडी में जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटो इन विच द ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल दिस प्रोसेस कन्वर्ट्स कार्बन डाईऑक्साइड फ्रॉम द एटमोसफेयर और डिज़ोल्ड इन वाटर इंटू ग्लूकोज मॉलीक्यूल्स इस प्रोसेस में क्या होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड है एटमोसफेयर में फ्राम द एटमोसफियर और डिज़ोल्व इन वाटर इंटू ग्लूकोज मॉलीक्यूल्स जो कार्बन डाइऑक्साइड है प्लांट्स उसको सनलाइट और क्लोरोफिल की हेल्प से ग्लूकोस में कन्वर्ट कर देते हैं दीज ग्लूकोस मॉलिक्यूल्स आर आइदर दर कन्वर्टेड इन टू अदर सब्सटेंसेज और यूज़ टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर सिंथेसिस ऑफ अदर बायो बायोलॉजिकली इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स और ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होते हैं ये फिर से यूज़ किए जाते हैं दूसरे ये जो ग्लूकोस मॉलिक्यूल्स होते हैं ये यूज़ किए जाते हैं टू गिव सम एनर्जी और टू सिंथेसाइज़ द अदर बायोलॉजिकली इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स राइट तो जो ग्लूकोज़ बनेगा फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से आपको पता है उससे हमको एनर्जी मिलती है और अगर हम हम उससे एनर्जी कंज्यूम नहीं कर रहे हैं तो वो जो ग्लूकोज है वो दूसरे इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए काम में आ जाता है

कुछ एनिमल्स में ये जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है और कुछ में ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है जिनमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही है उनको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन और जिनमें ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रही है उनको हम बोलते हैं एन एरोबिक रेस्पिरीशन राइट दिस कार्बन डाइऑक्साइड देन दैन गोज़ बैक इन टू द एटमोसफेयर और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये फिर से एटमॉसफेयर में चला जाता है अनादर प्रोसेस

ह्यूमन बींग्स में या दूसरे एनिमल्स में जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है उसमें हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं उसके अलावा एक और प्रोसेस है जिसमें कि ऑक्सीजन यूज़ होती है और उस प्रोसेस के बाद कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है एंड दैट प्रोसेस इज़ कम्बशन जब भी हम किसी चीज़ को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं आपको पता है कि कम्बशन के लिए किसी चीज़ को जलने के लिए ऑक्सीजन के रिक्वायरमेंट होना ज़रूरी है अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो किस कोई भी चीज़ बर्न होना पॉसिबल नहीं है राइट सो so, कंबशन भी एक प्रोसेस है जिसमें कि ऑक्सीजन यूज़ होती है और ऑक्सीजन जो है कंबशन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है और कंबशन क्यों करते हैं फॉर हीटिंग पर्पज़ फॉर कुकिंग पर्पज़ ट्रांसपोर्टेशन के लिए और इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के लिए In fact, the percentage of carbon dioxide in the atmosphere is said to have doubled since the industrial revolution when the human beings start. Um, since the industrial revolution, or <coughs> carbon dioxide का जो percentage है atmosphere में वो बहुत ज़्यादा increase हो गया है जब से हमें हम industrial revolution आया है जब से हम ज़्यादा से ज़्यादा industries बनाने लगे हैं तब से जो carbon dioxide का content है atmosphere में वो बढ़ गया है

और जैसे बाकी सारी चीज़ें एक साइकिल के फॉर्म में चलती हैं वैसे ही जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है तो प्ला हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि इस कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करती हैं और कार्ब कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को मेंटेन रखती हैं हमारे एटमॉस्फेयर में फॉर एग्जांपल हमारे ग्रीन प्लांट्स जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देते हैं और इस तरीके से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका कंसंट्रेशन uh, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता है और एक बैलेंस बना रहता है हमारे एटमोसफेयर में सो स्टूडेंट्स वी हैव डिस्कस टू टाइप ऑफ साइकल्स दैट इज़ द नाइट्रोजन साइकिल एज वेल एज द कार्बन साइकिल इन आवर एटमोसफेयर नाउ इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज द ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड द ओजोन लेयर डिप्रीशन दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर So that's all for today's class. In our next class, we are going to start our next topics that is the greenhouse effect and the ozone layer depletion. Thank you.